कजरी या फिर उसके बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। युवराज और मम्मी जी, दोनों में से कोई एक तो हमें लेने आएगा। दोनों में से एक हमें लेने जरूर आएगा। करोड़िया परिवार का नाम आगे बढ़ाने वाला वारिस ना कोई है और ना ही कोई होगा। करोड़िया परिवार का वारिस जरूर होगा और वो वारिस यहाँ पे है। ये सब क्या है नियति? क्यों इसे वापस लेकर आई? जब कजरी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी तो क्या जरूरत थी इसे घर वापस लाने की? युवराज, मैं जानती हूं कि तुम नहीं चाहते थे कि पवित्रा इस घर में वापस आए, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने जो कुछ किया है इस परिवार के भले के लिए किया है। करोड़िया परिवार के वारिस को पाने की इस आखिरी उम्मीद को मत ठुकराइए। इस घर में जो खुशियां आ रही है उसके दरवाजे बंद मत कीजिए। अपना लीजिए उस बच्चे को, उस बच्चे के खातिर पवित्रा को अपना लीजिए। नियति बिल्कुल सही कह रही है, हमें पवित्रा उसके होने वाले बच्चे को स्वीकार लेना चाहिए। आखिर गरोड़िया परिवार के वारिस का सवाल है। युवराज, प्लीज मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। युवराज, आखिर वो बच्चा तुम्हारा ही तो है। युवराज, इस परिवार की खुशियों के बारे में सोचो। इस घर को एक वारिस चाहिए जो मैं नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्यार है या सजा, अपना लो इस बच्चे को। टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इंतहा। ये तुम नहीं समझ रही हो कि तुम मुझे क्या करने के लिए कह रही हो। या रब्बा, दे दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो ना, दिल भर पे हो ना कोई असर। लेकिन मैं उस औरत को अपनी जिंदगी में वापस कैसे ला सकता हूं जिसकी वजह से ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे सारे परिवार की खुशियां तबाह हो चुकी हैं। सुनिए, नियति जो कह रही है इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं। आप ऐसे कैसे फैसला ले सकते? मैंने फैसला कर लिया है और दोबारा इस बात पर बहस नहीं चाहता। सूर्यकांत, तुम्हें अपने फैसले पर फिर एक बार सोचना चाहिए। नहीं बा, मैंने सोच लिया है कि मेरा उस बच्चे के साथ कोई वास्ता नहीं है। फिर भी आप अगर समझती हैं कि मेनका और नियति सही कह रही हैं, तो जैसा आप चाहें कर सकती हैं। पवित्रा, अंदर आओ। नहीं मम्मी जी,
मुझे नहीं लगता कि मुझे अंदर आना चाहिए। मैं जानती हूँ कि युवराज और बापूजी मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तुम्हें घर छोड़कर जाने नहीं दूंगी। चलो। बच गए रसीली भाई, वरना इन 2-3 घंटों में ना मेरी जान ही निकल जाती। पर मुझे एक बात की बहुत खुशी है रसीली भाई, कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। लेकिन पता नहीं रसीली भाई, युवराज और उसके बापूजी मेरे बच्चे को स्वीकार करेंगे भी या नहीं। मुझे तो ना इन लोगों का कुछ समझ में नहीं आता रसीली भाई, पता नहीं कब मुझसे सीधे मुंह बात करेंगे। मैं तो तंग आ गई हूँ ये अच्छेपन की एक्टिंग करते करते। ओफो मेरी जान, सब्र रखो, जैसे हमने सोचा था सब कुछ वैसे ही हुआ। मेनका तो पूरी तरह से हमारे चंगुल में फंस चुकी है, आप ही धीरे धीरे करके पिघल रही है। नहीं रसीली भाई, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी खुशियों के रास्ते में आए। नहीं पवित्रा, ऐसा दिल छोटा नहीं करते हैं। थोड़े दिन और सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और देखना, धीरे धीरे सब लोग तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को स्वीकार कर लेंगे। नहीं नियति, इस तरह के माहौल में रहना बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेरे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पे रहोगी। मेरा यकीन मानो, बहुत जल्दी युवराज और बापूजी भी मान जाएंगे और तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, तुम तब तक तो रुक जाओ जब तक मैं इन सब लोगों से बात नहीं कर लेती। करण, कहाँ खोए हुए हो? नहीं कुछ नहीं लक्ष्मी, बस ऐसे ही। जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण बेटा, ये क्या तुम जा रहे हो? हाँ बापूजी, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बापूजी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लीजिए, पवित्रा को स्वीकार कर लीजिए, वरना वो दोबारा घर छोड़ के चली जाएगी। और आप तो जानते हैं ना, अगर उसने घर छोड़ा तो वो कहाँ जा सकती है? कोठे पर। आप चाहते हैं कि आपके वारिस की परवरिश ऐसे जगह हो? रोक लीजिए उसे जाने से। रहने दो नियति, मैं किसी को दुखी या परेशान करके यहां रहना नहीं चाहती। मैं इस घर में वापस सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे अपने बच्चे की चिंता है। नियति और युवराज कभी माँ बाप नहीं बन सकते, इसलिए मैंने सोचा था कि ये लोग मेरे बच्चे को अपना लेंगे। अगर ईश्वर ने गरुड़िया खानदान के वारिस का नसीब कोठे पर पलना बड़े होना लिखा है, तो इसमें आप लोग भी क्या कर सकते हैं? चलिए रसीली भाई, यहाँ पर हमारी जरूरत किसी को नहीं है।
रुक जाओ कजरी। तुम्हारे होने वाले बच्चे की रगों में करोड़िया खानदान का खून है और हमारे घर का वारिस कोठे पर पले, ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। तुम यहीं रहोगी। और इस बंटवारे की लकीर को मिटाकर हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, लेकिन तुम हमारे परिवार में दखल नहीं दोगी। और ये तब तक होगा जब तक तुम बच्चे को जन्म नहीं दे देती। उसके बाद तुम बच्चे को युवराज और नियति को सौंप कर बच्चे की और हमारी जिंदगी से दूर चली जाओगी। पापा ये सब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। मान गई कजरी, आखिर तुमने इन लोगों से अपनी बात मनवा ही ली। अब सिर्फ आधी नहीं बल्कि पूरा करोड़िया निवास मेरा होगा। किसी भी तरह घर से बाहर जाना ही होगा। ये क्या, मेनका और नियति कहाँ है? पवित्रा चलो नाश्ता करो, ये लो। पवित्रा तुम युवराज की फिक्र मत करो, वैसे भी उसका गुस्सा तो थोड़ी देर के लिए होता है। मैं उसे मना लूंगी। चलो तुम अपने खाने पे ध्यान दो। युवराज के ऐसे व्यवहार के बाद मैं कुछ कैसे खा सकती हूँ नियति? तुम्हें खाना पड़ेगा, अपने लिए ना सही लेकिन इस बच्चे के लिए। एक दिन सिर्फ नियति नहीं बल्कि सारा करोड़िया परिवार इसी तरह मेरी खुशामदीद करेगा। तुम भी युवराज, तुम्हें भी मेरे सामने झुकना होगा। टैक्सी! कुंभारवाड़ा छे मैडम, गाड़ी आगे नहीं जाएगी।
ठीक है, ये पैसे। इंतजार कर रहा था, वरना मेरे कदम तो चल पड़े थे। हाँ भाई, गरोड़िया निवास, सूर्यकांत गरोड़िया के पास। बस रसिक भाई, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये खेल। ये लो पैसे, मैं तुम्हें इसके बाद और पैसे नहीं दे सकती। मैं तुमसे कोई खेल नहीं खेल रहा हूं बहना। तो मेरे पेट में जो बरसों पुराना राज है ना, उसकी कीमत वसूल कर रहा हूं बस। आखिरी बार कीमत चुका रही हूं। अरे तेरा मेरा भाई बहन का रिश्ता है भाई, इसमें आखिरी बार कुछ नहीं होता है भाई। अभी तो तेरी मेरी बहुत सारी मुलाकातें बाकी है। तुम्हारी तरफ से होंगी, मेरी तरफ से नहीं। आइंदा मुझे फोन मत करना, समझ गए? मर्चू, देखो मर्चू। आज तुमने ये तेवर दिखा के अच्छा नहीं किया हो बहन। अरे मैंने तुम्हारे लिए न जाने कितने पापड़ बेले, हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया, हर कामयाबी पर तुम्हें शाबाशी दी। अरे यहां तक कि तुम्हारे लिए जेल तक चला गया। आज आज वही बहना मुझे ये रंग दिखा रही है, बोला। अरे जा रसिक जा, तुझे जितने रंग दिखाने थे ना, तू मुझे दिखा चुका। इससे बढ़कर तुम मुझे और क्या रंग दिखाओगे? हाँ एक बात याद रखना रसिक, अब मैं इस राज से और डरने वाली नहीं हूं। मेरा नाम मेनका है, मेनका। और जब मेनका कुछ ठानती है तो वो कर दिखाती है। कोई भी काम करवाने के लिए मेनका किस हद तक गिर सकती है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए मुंह में पैसा ठूसो और हमेशा के लिए मुंह बंद रखो। एक मिनट, अगर तू मेनका है ना, तो मैं मेनका का बड़ा भाई हूं रसिक। अरे हाँ बहन, तुम मुझे ऐसे ही पैसे नहीं दे रही हो, और नहीं मैं तुमसे ऐसे ही पैसे ले रहा हूं। करोड़िया परिवार से एक लात मार के बाहर कर दे मैंने, उस राज की कीमत तुमसे वसूलता हूं, समझी? राज, 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 बाहर में गया तुम्हारा राज। जाओ, सारी दुनिया को बता दो राज क्या है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे? जो तुम कहोगे वो मान लेंगे? नहीं रसिक, नहीं। करोड़िया परिवार की दुखती नब्ज सबसे बड़ी कमजोरी मेरे साथ जुड़ी हुई है। करोड़िया परिवार का एक लौता वारिस युवराज मेरा बेटा मेरे साथ है। युवराज, 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 जिस युवराज नाम की जमीन पर तुमने अपने ये सपनों का महल खड़ा किया है ना, दो सेकंड लगेंगे मुझे तुम्हारे पैर के नीचे से वो जमीन खिसकाने। दो मिनट बस, और तुम्हारे ये सपनों का संसार ताश के पत्तों की तरह कड़ा रड़ा 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 बुझ सो जाएगा। क्योंकि युवराज तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है।
Namah Shivaya. Namah Shivaya.